हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास सिक्स का चैप्टर वन, विच इज़ नोइंग आर नंबर्स, उसकी ट्राई दीज पेज नंबर 11 पे जो क्वेश्चंस हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज रीड दीज नंबर्स, राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी कि हमें कुछ नंबर्स गिवन है, उसमें से एक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें उनको प्लेसमेंट बॉक्स के यूज़ करके उन्हें लिखना है और उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखनी है। तो प्लेसमेंट बॉक्स कौन से होते हैं, जैसे कि हम यहां से स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर आते हैं थाउजेंड, फिर आते हैं 10,000, लाख, देन 10 लाख, राइट। ये तो हो गए हमारे प्लेसमेंट टर्म्स कि हाँ हमें इनमें प्लेस करना है। वेट, 10,000, हंड्रेड, टेंस एंड देन वंस, राइट। अब हमें इसको 4, 7, 5, 3, 2, 0 इस नंबर को हमें प्लेसमेंट उसमें लगाना है। सो सबसे पहले, सबसे पीछे क्या नंबर है, वंस पे क्या है, 0, तो यहाँ आ गया 0। फिर है 2, तो टेंस प्लेस पे आ गया 2। फिर है 3, तो थर्ड 100 प्लेस पे आ गया 3। फिर 5,000 प्लेस पे आ गया 5। फिर 7, 10,000 प्लेस पे आ गया 7। फिर 4, लाख प्लेस पे आ गया 4। 10 लाख इज वैकेंट। सो अब सबसे पहले है रीड दिस नंबर। सो अगर हमें रीड करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ 4 लाख, राइट, 4,75,000, थ्री हंड्रेड ट्वेंटी, राइट। सो ये तो हो गया हमारा प्लेसमेंट बॉक्सेस में उनको प्लेस करना। ये हो गया कि हमने उसको वर्ड्स में कैसे लिखना है। अब लिखनी है एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, सी सबसे पहले डिजिट है 4, 4 लिखा, मल्टीप्लाई, 4 के आगे कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5। सो 1, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो हो गया 4 एक्सपैंड। उसके बाद करना है हमें 7 को एक्सपैंड, लिखा 7 इंटू 7 के बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4। सो 1, 2, 3, 4, ये हो गया हमारा 7 एक्सपैंड। उसके बाद हमें 5 को एक्सपैंड करना है, यानी कि 5 को और ज़्यादा ओपन करना है। 5 के बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3। सो 1, 2, 3, ये हो गया हमारा 5 एक्सपैंड। फिर आगे प्लस का साइन, 5 के बाद है 3, 3 को एक्सपैंड करेंगे, 3 के बाद कितनी है, 1, 2, तो 1 के आगे 2 0, प्लस 2, 2 इंटू 2 के आगे कितने डिजिट है, 1, तो ये, और 0 है नेक्स्ट, तो 0 को लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो उनको प्लेसमेंट बॉक्सेस पे लगाना है। प्लेसमेंट बॉक्सेस जो आपने ऑलरेडी याद किया हुआ होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, ऐसे ये नंबर्स, ये डिजिट्स पढ़ती जाती हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली हमने पीछे से स्टार्ट किया लिखना और हमने यहाँ तक लिख दिया। फिर जब उसको रीड करते हैं तो 4 के ऊपर क्या है, सी कैसे कोमास लगाते हैं हम, पहले 3 के बाद कोमास लगाते हैं, फिर 2 के बाद कोमास लगाते हैं, फिर अब ये 4 है, 4 अकेला है, तो 4 लिख के 4 के ऊपर जो है वो लिख दिया लैक। उसके बाद 75, दोनों एक साथ है कोमे के अंदर, तो 75 लिख के 75 के ऊपर क्या है, 1,000, तो लिख दिया 1,000। उसके बाद 3, 3, 3, 3 के ऊपर 100 है, 300 और 2, 0, 20। एक्सपैंडेड फॉर्म में क्या करना है, 4 पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से 4 लिखा, 4 के आगे जितनी डिजिट हैं 1 लगा के उतनी 0 लगानी है। नेक्स्ट फिर 7 को इसी तरीके से, फिर 5 को, फिर 3 को, फिर 2 को, और फिर 0 को, 0 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो गाइज, अब करने वाले हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट से 9, 8, 4, 7, 2, 1, 5। सबसे पहले प्लेसमेंट बॉक्सेस पे लगाना है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। सो पीछे से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से, लास्ट में है 5, तो वंस प्लेस पे आ गया 5। उसके बाद है 1, तो टेंस प्लेस पे आ गया 1, राइट। उसके बाद है 2, तो 100 प्लेस पे आ गया 2, 1,000 प्लेस पे 7, फिर 10,000 प्लेस पे 4, फिर लाख प्लेस पे 8,
और 10 लाख प्लेस पे 9। अब इसको रीड करते हैं, यानी कि वर्ड्स में लिखते हैं। सी कोमाज लगाए हुए मैंने, पहले 3 के बाद कोमा लगता है पीछे से, और फिर दो डिजिट के बाद कोमा लगता है। सो ये दोनों इकट्ठे आ गए, दैट मीन्स 98, पहले लिख लो 98, 8 के ऊपर क्या है, लैख, 98 लैख। अब ये दोनों एक साथ है, क्या बनेंगे, 47। फिर लिखो 47, 7 के ऊपर क्या है, 1000, 47,000, 200, 200, 15 इज 15, 215, राइट। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 9 है, 9 लिखा, 9 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 1 तो कितनी जीरो लगेंगी, 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 9 एक्सपैंड। उसके बाद हमने 8 को एक्सपैंड करना है, 8 लिखा, 8 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5, ये 8 एक्सपैंड हो गया। उसके बाद है 4, 4 इंटू 4 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, ये 4 एक्सपैंड हो गया। फिर उसके बाद है 7, 7 इंटू कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 प्लस 2, 2 इंटू 2 के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 जीरो। फिर 1 है, 1 के आगे कितनी डिजिट है, 1, तो 10 से मल्टीप्लाई। फिर 5 है, और 5 के आगे एक भी डिजिट नहीं है, तो सिंपल इंटू 1 कर देंगे, वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये हो गया एक्सपैंड। अब ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले प्लेसमेंट बॉक्सेस पे लगाया, फिर वर्ड्स में लिखा, जितने कोमाज होते हैं उनको इकट्ठे लेना होता है, 98 लाख, 47,215। एक्सपैंड करने में जितनी डिजिट्स होती हैं, जैसे 9 को एक्सपैंड करना है, 9 के आगे जितने डिजिट हैं उतनी जीरो लग जाती हैं। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में सेम ही चीज़ है, सबसे पहले हमें उसको प्लेसमेंट बॉक्सेस में लगाना है, यानी कि ये डिजिट को हम राइट से स्टार्ट करेंगे, सीधे हाथ की तरफ से। सबसे पहले 0 है तो 1s प्लेस पे 0, उसके बाद 1 है तो 10s प्लेस पे 1, उसके बाद 3 है तो 100s प्लेस पे 3, उसके बाद 5 है 1000 प्लेस पे 5, 4 10,000 प्लेस पे 4, लैक्स 6 लैक्स प्लेस पे 6, 7 10 लाख प्लेस पे 7, और करोड़ 9 करोड़ प्लेस पे 9 प्लेस करोड़ प्लेस पे 9, राइट। अब उसको रीड कैसे करना है, रीड यानी कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले कोमा देख लेते हैं, पहले पीछे से 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद, और फिर अगेन 2 डिजिट के बाद। सो अब ये जो 9 है ये अकेला है, सो 9 के ऊपर क्या है, करोड़, 9 करोड़। 76 साथ में है कोमे के बीच में, तो 76 और 6 के ऊपर क्या है, लाख, तो 9 करोड़, 76 लाख। 45 साथ में है, लिखा हमने 45,000, 310, 310, राइट। ये हमने रीड कर लिया, यानी कि वर्ड्स में लिख दिया। अब उसके बाद एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करने के लिए वही हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। पहली डिजिट है 9, कितने डिजिट है 9 के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, सो 1 लगा के हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर, 7, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस 9 के बाद है 7 इंटू 1, कितने डिजिट है 7 के बाद, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 7 के बाद है 6, 6 इंटू 6 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5। फिर है 4, 4 इंटू कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 4 एक्सपैंड। फिर प्लस 5, 5 के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट्स, 1 2 3, 5 के बाद है 3, 3 इंटू 3 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट्स, तो 1 2, प्लस 1, 1 के बाद कितने डिजिट है, 1, तो 10, प्लस 0 का हमें लिखना ज़रूरी नहीं होता। सो ध्यान से देख लीजिए, पहले इसको भी हमने प्लेसमेंट्स पे लगाया, फिर रीड किया, कोमे के अकॉर्डिंगली हम उसको लिखते गए और एक्सपैंड कर दिया।
सो अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में वही सेम क्वेश्चन है, प्लेसमेंट्स में लगाना है। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। फोर किस प्लेस पे आएगा हमारा? वंस प्लेस पे। उसके बाद नाइन टेंथ प्लेस पे, ज़ीरो हंड्रेड प्लेस पे, एट थाउजेंड प्लेस पे, फाइव 10,000 प्लेस पे, फोर लैक्स प्लेस पे, ज़ीरो 10 लाख पे और थ्री करोड़ प्लेस पे। सो अब इसको हमें रीड करना है। रीड करना यानी कि हमें इसको वर्ड्स में लिखना है, राइट? अब एक कोमा, कोमे के अकॉर्डिंगली हम उसको वर्ड्स में लिखते हैं। सबसे पहला डिजिट है थ्री, क्योंकि थ्री अकेला है। सो उस पर लिखा हमने थ्री, थ्री के ऊपर क्या है? करोड़। तो थ्री करोड़, ज़ीरो फोर, ज़ीरो तो हम लिखेंगे नहीं, तो सिंपल क्या लिखेंगे? फोर, फोर के ऊपर क्या है? लैक। तो लैक और 58 साथ में है, क्योंकि दो कोमों के बीच में आ रखा है। तो 58, 8 के ऊपर क्या है? 1000। 58,094, क्योंकि 0, 100 प्लेस पे तो 0 है, कुछ नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे? 94। उसके बाद अब हमें करना है एक्सपैंड। एक्सपैंड करने के लिए हमें फिर से यही लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले लिखेंगे थ्री इंटू, थ्री के बाद कितने डिजिट हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। सो कितनी ज़ीरो आएंगी? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ये हो गया हमारा थ्री एक्सपैंड। उसके बाद ज़ीरो, ज़ीरो को लिखना ज़रूरी नहीं होता। देन आ गया फोर, फोर इंटू वन टू थ्री फोर फाइव। फोर के बाद कितने डिजिट हैं? वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये हो गया फोर एक्सपैंड। उसके बाद है फाइव, फाइव के बाद कितने डिजिट हैं? वन टू थ्री फोर। सो वन टू थ्री फोर, ये फाइव। फाइव के बाद है एट, एट, एट के बाद कितने डिजिट हैं? वन टू थ्री। सो थ्री जीरोज आएंगी। उसके बाद ज़ीरो है, ज़ीरो को लिखना कंपलसरी नहीं होता। और उसके बाद आता है नाइन, नाइन के बाद कितनी जीरो, कितने डिजिट हैं? वन। तो कितनी जीरोस आएंगी? वन। उसके बाद लास्ट है फोर, और फोर के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो सिंपल मल्टीप्लाई बाय वन। कोई भी मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो नहीं आएगा। ध्यान से देख लीजिए, पहले प्लेसमेंट बॉक्सेस में लगाना है, फिर रीड यानी कि उसको वर्ड्स में लिखना है, कोमेस के अकॉर्डिंगली हम उसको वर्ड्स में लिखेंगे, फिर एक्सपैंड करेंगे, जितनी डिजिट होगी उतनी ही ज़ीरोज लगा देते हैं। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।